नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। यूं तो हम सभी अपने घर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, हर एक चीज हर एक जगह के लिए हम बहुत दिल से चुनते हैं। घर में सोफे के लिए भी सही जगह पर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सावधानी से आपको घर का सोफा चुनना है। इसलिए जब भी आप सोफे की जगह को चुने तो उसका रखरखाव भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है वास्तु के हिसाब से। इसके अलावा सोफे के रखरखाव और उसकी स्थिति को लेकर भी वास्तु शास्त्र में बताई गई बातों का पालन करना चाहिए। ड्राइंग रूम के सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर सोफे को रखने में कई गलतियां खासा नुकसान पहुंचा सकती है। सोफा रखने में कई गलतियां घर की सुख शांति से लेकर आर्थिक स्थिति तक पर बुरा असर डालती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के मुताबिक सोफा रखने की दिशा चुननी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि मुख्य द्वार की दिशा के आधार पर सोफा कैसे रखना है। यदि घर का मेन गेट या मुख्य द्वार उत्तर दिशा में खुलता है तो घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में सोफा रखना शुभ फल देता है। यदि घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में खुले तो सोफा नृत्य कोण यानी के दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में रखना अच्छा होता है। यह जगह पृथ्वी तत्व की होती है और इसके स्वामी राहु केतु होते हैं। इस जगह पर भारी और ऊंचा सामान रखना अच्छा होता है, इससे राहु केतु संतुलित रहते हैं। आजकल एल शेप का सोफा भी बहुत ही ज्यादा चलन में है, लेकिन इसे रखते समय बहुत ही विशेष ध्यान भी रखें, क्योंकि घरों में एल शेप और यू शेप के सोफे रखने का चलन भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इनकी दिशा और स्थिति का चुनाव भी बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा। यदि एल शेप का सोफा रख रहे हैं तो इसे इस तरह से रखें कि उसका एक हिस्सा ड्राइंग रूम की दक्षिण दिशा की ओर हो और दूसरा हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर हो, यानी कि सोफे पर बैठते समय व्यक्ति का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। वहीं यू शेप का सोफा अगर रखते हैं तो उसका सबसे बड़ा वाला हिस्सा ड्राइंग रूम के दक्षिण दिशा में लगाएं, वहीं बाकी दो हिस्से पश्चिम और उत्तर दिशा में रखें। अब चलिए जानते हैं कि सोफे के मामले में आपको किन किन गलतियों से बचना है। सोफा सेट की दिशा के अलावा इन बातों का भी ध्यान रखें। सोफे के ऊपर ही नहीं, उसके नीचे से भी सफाई करें। सोफा इस तरह से रखें कि उस तक पहुंचने में बीच में कोई रुकावट ना हो और ना ही सोफे पर बैठते समय उसमें से आवाज आए। सोफे पर कभी भी कपड़ों या अन्य चीजों का ढेर न लगाएं, हमेशा उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित ही रखें। तो दर्शकों, अगर आप भी ऐसी ही गलतियां कर रहे थे तो अब से ना करें, और वास्तु और पंचांग से जुड़ी ज्योतिष टिप्स से जुड़ी हर जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।